हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जिनका जिनका भी 8 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक सब्सिडियरी का एग्ज़ाम है पार्ट टू का, यहां पर उसके लिए मैं वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। मैंने इकोनॉमिक्स का एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज की वीडियो में लगभग मैं आपको 40 मिनट के अंदर 3 साल का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँगा, 2020, 21 और 22 का। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर से जो है ना LNMU क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 3 साल का क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाए, तो कम से कम नहीं कुछ तो वहाँ से 30% से ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों का कम से कम मैच कर जाएगा। अगर इतना मैच कर गया 30+ क्वेश्चन, तो बाकी आप लोग गेस्ट पेपर से भी पढ़े होंगे, वहाँ से भी मैच करेगा। कुछ ना कुछ आपके पास में कॉमन सेंस भी होगा, उससे भी बन जाएगा। बाकी टेक्स्ट बुक भी अगर थोड़ा आपने पढ़ा होगा तो वो भी हेल्प करेगा। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कल आप लोग का सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा। ये वीडियो थोड़ा लेंदी ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें मैं 20, 21, 22 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ विथ आंसर के साथ। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट समय पर मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक PDF, यूनिवर्सिटी का नोट्स, यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, नोट्स मटेरियल का PDF, सब कुछ आपका पार्ट 3 का भी तैयारी करोगे तो आपको मिल जाएगा। आइए देखते सबसे पहला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान सकल बचत दर है, तो याद रखिएगा डेटा 26% इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन सा देश है, तो USA जो है ना इंडिया का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना, अमेरिका से सबसे बड़ा, मतलब अमेरिका सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। देखो, भारत के किस क्षेत्र का विकास सबसे तेज है, तो सेवा क्षेत्र जो है ना, टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के आयात में किस वस्तु का योगदान अधिक है, तो पेट्रोलियम पदार्थ का। ठीक है, इम्पोर्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, पेट्रोलियम। इम्पोर्ट मतलब होता है किसी दूसरे देश से जब हम कोई वस्तु मंगवाते हैं तो वहाँ पर इम्पोर्ट होता है, और जब किसी दूसरे देश हम भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। निम्न सेवाओं में किस सेवा का योगदान भारत के निर्यात में अधिकतम है, तो सॉफ्टवेयर सेवा जो है इसका निर्यात अधिकतम है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। देख के जाइएगा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगा। और आप बोलिएगा कहने के लिए कि भैया, एक मान लो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इसमें से बहुत कम आता है, तो 100% गारंटी इसका कोई नहीं देगा कि ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, बस मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ आपको। अब पूछना ना पूछना ये LNMU के हाथ में है, आपको अलग अलग जगह से रिसोर्स एक्यूमुलेट करके खुद से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट नहीं रहना, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, ये LNMU के मूड पर निर्भर करता है। देखो, 2021 के वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑप्शन देखिए उसको याद कीजिए, इसके अतिरिक्त कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अभी सिर्फ ऑप्शन याद करना है क्वेश्चन के साथ में। एक बार देखे हुए रहोगे तो एग्जाम हॉल में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आराम से बना दोगे आप। देखो, GST द्वारा किस कर को हटाया गया, तो वैट जो है ना, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब होता है वैट, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं VBI में लिख दे रहा हूँ, वैसे तो हर एक क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, एक भी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका पूछे जाने का बहुत प्रबल संभावना रहता है। 2005 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्र, देखिए ईयर सही से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा किन शहरों को जोड़ता है, तो सिलचर से पोरबंदर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012, बहुत ही ध्यान से इकोनॉमिक्स वाले छात्र देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो उपरोक्त सभी, चाहे वो बीमा हो, बैंकिंग हो या परिवहन हो, उपरोक्त सभी का ऑप्शन जहाँ कहीं भी दिखे, उत्तर नहीं भी पता है तो टिक कर लीजिएगा, सही ही होगा वो।
आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। एक रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर एक रुपये के नोट पर होता है। ध्यान देना, एक रुपया का नोट पूछ रहा है। वैसे नॉर्मली नोट पे आपका आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर दिखेगा, जैसे अभी शक्तिकांत दास जी हैं, लेकिन एक रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव का। तो इसलिए याद रखना। भारत में योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डॉक्ट्रिन को कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है यूएसएसआर, मतलब कि आपका रशिया जो है, ये आपका जो कजाकिस्तान वगैरह है ना, ये पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था। कौन सा प्रतिशत विकास का हिंदू दर को इंगित करता है? तो 3.5%। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। अनुचित व्यापार व्यवहार को शामिल किया जाता है MRTP अधिनियम में। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? NM, नमो, ठीक है। और नीति आयोग के जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको करंट का चीज़ मालूम है, ठीक है, कि कौन किस पोस्ट पे है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन को जब हटा दिया गया तो उसके बाद नीति आयोग बनाया गया, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो इसका जो है सो वाइस प्रेसिडेंट कौन है बताइए, या वाइस चेयरमैन। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो ये है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन ए। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी और पूंजीवादी का एक मिक्सचर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में कौन सा मेल सही है? तो ये जो RBI है ना, दीर्घकालीन वित्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो खुली अर्थव्यवस्था उदारीकरण सहित। तो ऑप्शन सी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा बल किस पर दिया गया था? तो ये दिया गया था औद्योगिकरण पर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? ये कम हो रहा है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान डिक्रीज कर रहा है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है ना ही निर्यात होगा ना आयात, मतलब ना इम्पोर्ट और ना ही एक्सपोर्ट, इसका मतलब हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था, ये सिर्फ आयात और सिर्फ निर्यात। ऑप्शन गलत है। FDI का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसका राइट ऑप्शन बी डेफिनेटली करेक्ट है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब होता है जो विशिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या का आकार। डी ऑप्शन। महिला पुरुष अनुपात 11 के अनुसार क्या है? 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो ये मौसमी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सीजनल। छुपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका कृषि क्षेत्र में, मतलब एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर, ठीक है जी। भूमि सुधार शामिल करता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है ना, वो स्वामीनाथन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ऐसी बेरोजगारी जो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी पर गमन के दौरान होती है, इसको घर्षणात्मक बेरोजगारी करते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1975 में, ऑप्शन डी। महालनोबिस मॉडल किस योजना से संबंधित है? याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहला हुआ था 51 से 56, तो 56 से 61 वाला हो जाएगा शायद महालनोबिस वाला। योजना अवकाश भारत में हुआ था कब? तो 1966 के अकाल के बाद ड्रॉट जो आ गया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। ड्रॉट नहीं कहना चाहिए, ड्रॉट मतलब तो सूखा होता है, अकाल जो 1966 में आया था ना, फूड स्टोरेज कम हो गया था, उसके बाद ना फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ऑप्शन डी।
गेहूं का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या था, तो 1975 में प्रति क्विंटल। प्रधानमंत्री योजना शुरू कब किया गया था, तो ऑप्शन शुरू की गई किसके लिए, बीपीएल महिलाएं। निम्नलिखित में कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, तो नैतिक प्रभाव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीआरआर का वर्तमान दर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, यही होता है ना सीआरआर का फुल फॉर्म। तो इसका जो वर्तमान दर है ना, ये करंट में आप लोग चेक कर लेना, ये 2022 का डेटा है, तो 4.50% था। एक बार इसका करंट में देख लेना है, और जो करंट वाला होगा वहीं पढ़ के जाना है, क्योंकि 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो। वर्तमान बैंक दर क्या है ये भी चेक कर लेना है, क्योंकि ये सब अपडेट होते रहता है, दिस इज़ नॉट अ स्टैटिक पार्ट, इट इज़ अ डायनेमिक, ये चेंज होते रहता है। फेमा क्या है, ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फेमा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का परिवर्तित नाम था NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबों का उत्थान, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर्स। IRDB का सामरिक उद्देश्य क्या है, तो सी होगा, सस्ते ब्याज दर पर ग्रामीण रोजगार और साख की सुविधा के अवसर ज़्यादा उपलब्ध कराना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि जब आप छोटे क्लास में होते हो तभी आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता, हायर क्लास में जाओगे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आप बच्चों के प्राथमिक शिक्षा से रिलेट कर देना। तीव्र शहरीकरण का भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान कारण क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का अभाव, ऑप्शन डी। निम्न का मिलान कीजिए, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ए का 2, बी का 4, सी का हो गया आपका 1 एंड डी का 3, इसका राइट ऑप्शन। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, व्यापार चक्र के मंदी की अवस्था के दौरान बेरोजगारी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निरपेक्ष गरीबी का अर्थ होता है सामान्य न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के संबंध में गरीबी, बी ऑप्शन। योजना आयोग के द्वारा न्यूनतम कैलोरी उपभोग क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना निर्धारित है, तो 2400 और 2100 याद रखिएगा, ये जो हो जाए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण के लिए 2400 एंड 2100 फॉर आपका अर्बन एंड रूरल हो गया कितना 2400। बुल और बियर शब्द किस व्यवसायिक कार्यकलाप से संबंधित है, तो शेयर बाजार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन बैंकों का बैंकर है, तो RBI जो है ना बैंकों का बैंकर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों में से जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर हर एक अपडेट, मैं इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपको पार्ट 3 का जब आप तैयारी करोगे तो GK GS होता है ना, तो उसका PDF आपको उसमें मिल जाएगा, नोट्स मटेरियल मिल जाएगा, पैसा नहीं लगता है, और यूनिवर्सिटी का जो भी नोटिफिकेशन आता है ना वो समय समय पे आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए, या आप जाके टेलीग्राम में सर्च करोगे brainstorm.ed, मैं लिख देता हूँ सुविधा के लिए, टेलीग्राम ऐप में 99 brainstorm.ed 99 सर्च करोगे आपको चैनल दिख जाएगा। देखिए, बैंकों को अपने पास और अपने कुल जमा और कुल संपत्ति का 1:1 रखना होता है, यह कहलाता है ए और बी दोनों, SLR एंड CRR, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। EXIM बैंक स्थापित कब हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग मुझे EXIM का फुल फॉर्म बताओ। निम्न में से कौन राजकोषीय नीति लागू करता है, तो भारत सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, कि सामान्यतर अर्थव्यवस्था या ब्लैक मुद्रा की मौजूदगी का अर्थ है मौद्रिक नीति को कम प्रभावी बनाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। RBI के द्वारा निम्नलिखित मात्रात्मक शाख नियंत्रण के औजार चुने जाते हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, CRR और मार्जिन आवश्यकता। किस समिति ने पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता का सुझाव दिया, तो ये दिया था तारापुर समिति ने, परिवर्तनीयता का।
प्रति व्यक्ति आय किससे निकाला जाता है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब आप विभाजित करोगे ना, तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकल के चलाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किया गया था दादा भाई नौरोजी, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्न में कौन सही है? उपरोक्त सभी कथन सही है, ये भी ये भी ये भी। CRR में कमी व्यवस्था में ज़्यादा तरलता पैदा करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तरलता ब्याज दर में कमी लाता है, और सरकार के द्वारा बाजार में ज़्यादा उधार लेना ब्याज दर को बढ़ाता है। वित्त आयोग के अनुमोदन सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अगला देखिए, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो CPI, ऑप्शन डी हो जाएगा। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका नाम था GATT, ऑप्शन ए। आयात हतोत्साहन का अर्थ है आयातित वस्तुओं की जगह पर वैसी वस्तुओं का घरेलू उत्पादन, ऑप्शन ए। ठीक है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? सेवाएं, ये अदृश्य होता है, ऑप्शन इसका क्या है? इनटेंजिबल है ये। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। GST के बारे में किस में है? आर्टिकल 279 ऑफ ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? राज्यवर्ती सूची, तो ऑप्शन ए। निम्न में कौन भूमि सुधार में शामिल नहीं होता है? तो ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? याद रखना है आपको 1950 ईस्वी में। MSP सरकार द्वारा किसके अनुमोदन पर निर्धारित होता है? कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग, ऑप्शन सी। भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब हुआ? 91, 66 एंड 49, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये हुआ था 1948 में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। FDI उपयोगी है क्योंकि यह आधुनिक तकनीक लाता है, यह अच्छा प्रबंधन लाता है, और यह विदेशी मुद्रा लाता है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करने के पीछे सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या कारण था? तो विदेशी मुद्रा की समस्या, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्न में कौन सी नीति नई आर्थिक नीति के अंतर्गत शुरू की गई? तो ये तीनों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और एक ये हो गया, ऑप्शन इसका ABC तीनों हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको आंसर लिखा हुआ है, मैं पढ़ पढ़ के बता देता हूँ ताकि सुनने से क्या होता है ना, और ज़्यादा याद होता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ बोल रहा हूँ और आपको सुविधा हो जाए। विनिवेश इंगित करता है कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का शेयर बाजार में बेचना, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा सुधार सरकार द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत किया गया था? तो औद्योगिक क्षेत्र सुधार, ए ऑप्शन। सभी प्रत्यक्ष कर को मिला दिया गया, वस्तु एवं प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया वस्तु एवं सेवा कर, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, जो कि जुलाई 2017 में GST लागू हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आप लोग चेक कर लोगे करंट में, ठीक है, अपडेट होते रहता है, उस टाइम के हिसाब से ऑप्शन डी है, लेकिन हो सकता है अभी चेंज हो गया हो, तो चेक कर लेना है आपको। SEBI अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन 30 जनवरी 1992, ठीक है। SEBI का अध्यक्ष कौन है अभी बताइए, तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है? तो सुबिमल दत्त समिति, ये सब तो करंट का कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा। कौन सी समिति विनिवेश से संबंधित है? सी रंगराजन। 88 का राइट ऑप्शन ए होगा, सितंबर 30, 2022 तक, ये विदेशी व्यापार नीति वाला पूछ। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन व्यवस्था भारत में कब अपनाया गया? तो ये 1992 में, ऑप्शन सी। हरित क्रांति का मुख्य तत्व क्या है? ये उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा। उन्नत किस्म के बीच आधुनिक तकनीक का उपयोग और उर्वरकों का सही उपयोग। निम्नलिखित में से क्या नियोजन के लिए आवश्यक नहीं है? तो कीमत तंत्र इसका राइट आंसर होगा।
मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय ने किया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किया गया था 2015 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में किन आयामों का प्रयोग होता है, किस डायमेंशन का? तो सभी का, शिक्षा, जीवन स्तर और स्वास्थ्य। मुद्रा पूर्ति के पैमाने को दर्शाया जाता है तीनों पे। बिहार में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो जीरो इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सेबी का नहीं है? व्यक्तिगत व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, ये नहीं है उद्देश्य। विपणन योग्य अधिशेष को निर्धारित करता है इनमें से सभी, खेत का आकार, फसल का आकार और उत्पादन का स्तर। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कौन शामिल हुआ इनमें से सभी? 100 का राइट ऑप्शन 1987 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये हमारा 2022 यहाँ पे आके समाप्त होता है। अगला सेट आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2021 का क्वेश्चन पार्ट टू के लिए। 2021 का कंप्लीट करके फिर 20 की तरफ मूव करेंगे, इसीलिए वीडियो का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक वीडियो में मैं 3 साल का पूरा पेपर यहाँ पे जो पूछा गया है वो डिस्कस करूँगा। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है, अभी 2022 में भी पूछा गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था, ये रिपीटेड है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषता क्या है? सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि से, ऑप्शन ए हो जाएगा। और टर्शियरी से होता है आपका सर्विस सेक्टर से, क्वार्टरनरी भी होता है, क्वीनरी भी होता है, ऐसे करके 5 सेक्टर होता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत में विश्व की कुल भूमि का तो 2.42% कंट्रीब्यूट करता है, विश्व की कुल भूमि का, इंडिया का एरिया कितना है 2.42%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र, मतलब कि टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। रिसेन प्रभाव से क्या तात्पर्य? उत्पादन वृद्धि का लाभ रिस्क कर समाज के निम्न तबके तक पहुंचाना। भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर देशों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा, विकासशील। निम्नलिखित में से क्या नियोजन के लिए आवश्यक नहीं है? तो कीमत तंत्र इसका राइट ऑप्शन होगा। किस योजना के काल में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई? तो 8वां, मतलब ये ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन भारतीय नियोजन की विशेषता नहीं है? तो आदेशनात्मक नियोजन, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। किस योजना में समवृद्धिक दर सर्वाधिक थी? समवृद्धिक दर जो है 10वीं में सर्वाधिक। किस पंचवर्षीय योजना ने कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर अंकित किया? तो तीसरा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए। इनमें से कौन बॉम्बे प्लान में शामिल नहीं थे? तो JL नेहरू, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन सी योजना DR गडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो तीसरी योजना DR गडगिल मॉडल पर आधारित थी। निम्नलिखित में कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के संदर्भ में सही है? तो 100% परिवारों तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था? तो उद्योग को। देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, साथ में पंचवर्षीय योजना जो आया था ना 51 से लेकर के अभी तक जितना भी हुआ है उसको भी पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत काम देगा आपको। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो गुन्नार मिडल ने प्रतिपादित। निम्नलिखित में से कौन भारत की भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य है? तो सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। निम्न में से किसका उपयोग जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या के समाधान के लिए किया जा सकता है? तो जोतों की चकबंदी, ऑप्शन ए। किस व्यवस्था में लगान वसूली की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई? तो ये महलवारी व्यवस्था था, महलवारी सिस्टम, ऑप्शन सी। निम्न में किस व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप में किसानों के साथ लागू किया गया? तो रैयतवारी, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। निम्न में कौन डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल है? तो आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल है आपका ये सभी, सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण,
भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एंड रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटरीकरण। मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की, तो ये ए 22 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए ऐच्छिक है, डी हो जाएगा। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो केराव नहीं आता है, बाकी ये तीनों आता है, तो इसीलिए पूछा नहीं आता है तो केराव। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें आच्छादित हैं, तो ये आच्छादित है आपका 23, डी हो जाएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी, रिपीटेड क्वेश्चन है 21 का 22 में, तो ऑप्शन बी होगा। एकाधिकार एवं प्रतिबंध व्यापार प्रक्रिया अधिनियम किसका हिस्सा था, तो ऑप्शन बी औद्योगिक नीति 1969 का। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत उद्योग में शामिल है, तो कोयला, लोहा एवं इस्पात एंड सीमेंट। औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं क्या थी, ये सभी। औद्योगिक नीति एवं समर्थन संवर्धन विभाग के कार्य क्या हैं, औद्योगिक नीति बनाना एवं उसे कार्यान्वित करना, ऑप्शन ए। देखो यहाँ भी ये सभी है, लेकिन ये सभी यहाँ पे नहीं होगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये स्टार्ट किया था 2015 में। 38 का राइट ऑप्शन बी होगा, रिपीटेड है। सेल कंपनियां होती है ये सभी, सामान्यतः पंजीकृत, केवल कागज़ में ही विद्यमान, काले धन को सफ़ेद करने का साधन। निम्नलिखित में कौन महारत्न कंपनी नहीं है, तो ओआईएल जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो बढ़ता निवेश। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर, कंजम्पशन। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में किन आयामों का प्रयोग किया जाता है, सभी का, जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी, तो डी। देखो 90% में आपका ये सभी वाला सही होता है, 10% में ऑप्शन में ही जहाँ ये सभी हो तो वो गलत हो जाता है, 10% ही ऐसा क्वेश्चन है। देखो ग्रामीण क्षेत्र के 2400 कैलोरी वाला जो ये है अलग समिति ने दिया था, संस्तुति, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बीपीएल महिलाओं के लिए। 46 का राइट ऑप्शन बी होगा, आंकड़े किसके द्वारा, बेरोजगारी संबंधित आंकड़े, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। वह स्थिति जब काम करने की इच्छा एवं आवश्यकता योग्यता होने के बावजूद व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता कहलाता है, इसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। योग्यता है, इच्छा है एवं आवश्यकता योग्यता होने के बावजूद भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, तो इसको हम लोग खुली बेरोजगारी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है, कौशल एवं तकनीक ज्ञान का अभाव, सी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, ए। आरबीआई की स्थापना 1935 में। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि से होता है, सभी। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिलों द्वारा अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने बदलने पर पुनर्बट्टा करने के लिए तैयार रहता है, वह कहलाता है बैंक रेट। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, तो नैतिक प्रभाव। M1 प्लस मियादी जमा राशियां कहलाती है M3, ऑप्शन बी। पूंजी बाजार से क्या आशय है, तो ये हो जाएगा शेयर बाजार। IPO का विस्तारित रूप क्या है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑप्शन बी। भारत में शेयर एवं प्रतिभूति बाजार नियमन कहलाता है SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का SEBI में विलय कब हुआ, तो 2015 में। प्राथमिक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा डी, ये सभी वाला। चिलैया समिति ने क्या सुझाया, तो चिलैया समिति का जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचस्तरीय व्यक्तिगत आयकर संरचना। चिलैया समिति ने किस समिति को समाप्त करने का सुझाव दिया, तो संपत्ति कर। भारत में प्रतिभूति विनिमय कब लाया गया, तो 2004 में। देखिए आप लोग का जब कल एग्ज़ाम हो जाएगा सेकेंड शिफ्ट में,
उसके 2 घंटे के बाद या 2.5-3 घंटे के बाद आप लोगों को उसका आंसर की 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सही होगा वो मैं बताऊंगा, वो आप मिला लोगे। मिलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका उस विषय में कितना मार्क आ रहा है, ठीक है, वो 100% एक्यूरेट आंसर की रहता है। और फिर आप स्कोर कार्ड अपना कमेंट बॉक्स में आके बताना, वो कल होगा पार्ट एग्ज़ाम होने के बाद में। चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1994। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है, तो सभी, पूंजी लाभ, उपहार और फ्रिंज लाभ, तो ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो प्रतिभूति विनिमय दर। देखो लाइफर वक्र किस के मध्य संबंध को बताता है, तो कर राजस्व एवं कर दर। वस्तु एवं सेवा कर ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, अभी मैंने बताया। निम्नलिखित में से कौन GST की विशेषता है, डी ऑप्शन, गंतव्य, बहुचरणीय और मूल्यवर्धित। GST परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। किस समिति ने पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता का सुझाव दिया, तो तारापुर समिति। किसने फेरा का स्थान लिया, तो फेमा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फेमा का विस्तार रूप क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको चेक कर लेना आप लोग जी, यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट तक छोड़ दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी 2000 में। पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए राजकोषीय घाटे को रखा गया है, था 4%। भारत ने 1993 में गोद लिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया, तो ये हो जाएगा, ये सभी 91, 66, 49, 2022 में पूछा गया ये। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, तो ये सभी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए एशिया में पहला विशेष क्षेत्र स्थापित हुआ, तो कांडला। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सेज से संबंधित है, तो बाबा कल्याणी समिति। आर्थिक सुधार के मूल तत्व थे, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, डी ऑप्शन। वैश्वीकरण का तात्पर्य है सभी से, ऑप्शन डी। ऐसी प्रक्रिया जो राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के दखल को कम करता है, कहलाता है निजीकरण। निम्नलिखित में से किसके मध्य से फर्म के निजीकरण किया जा सकता है, तो विनिवेश। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा PPP के किस मॉडल का उदाहरण है, तो निर्माण, संचालन, हस्तांतरण, ऑप्शन ए। कौन उदारीकरण की युक्ति नहीं है, तो मुद्रास्फीति प्रक्रिया द्वारा विकास। 90 के दशक के आर्थिक सुधार में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह। किस समिति ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की अनुशंसा की, तो नंदन नीलकेनी। ई रूपी नाम के कैशलेस एवं संपर्क रहित डिजिटल भुगतान संविधान की शुरुआत की, बी, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, 33% इसका होगा। कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के कार्य हैं ए और बी दोनों। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना के वर्ष प्रारंभ हुई, 1881, और 94 का राइट ऑप्शन बी होगा, सिख। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था, ये था GATT। केलकर टास्क फोर्स सिफारिश किससे संबंधित है, कर से। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था, तो ये था आपका बैंक ऑफ कलकत्ता, कमर्शियल। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है, थोक मूल्य सूचकांक, 99 का राइट ऑप्शन डी होगा, दादा भाई नरोजी। बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है, वित्त मंत्री तो यही होंगे ना, सम्राट चौधरी, एम आई राइट, कमेंट बॉक्स में आके बताइए। नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ ना, ये मैंने 2 साल का आपको क्वेश्चन बताया है, 2020 का क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आपका पूछेगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, जुड़िएगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर के यूनिवर्सिटी का सब कुछ आपको मिलता रहेगा समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।